हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं पवन तिवारी चंदना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो यहाँ पर टीजीटी मैथ्स की क्लास की जा रही है और आप इसमें लेक्चर फोर्थ की चर्चा करेंगे। अच्छा, लेक्चर थर्ड जो इसके पहले चला था, थोड़ा सा नेटवर्क कनेक्शन की वजह से वीडियो बाधित रहा, लेकिन अब यहाँ से लेक्चर फोर्थ जो शुरू कर रहे हैं, इसमें छठे थ्योरम की बात की जा रही थी। त्रिभुज एबीसी में एडी जो है वो क्या है, वो कोण ए का समद्विभाजक है, बाइसेक्टर है, तथा एई जो है वो परपेंडिकुलर है बीसी पर, एई लंब है किस पर, बीसी पर। तब उस कंडीशन में यहां से जो थ्योरम बनेगा, उस थ्योरम की हम बात कर लेते हैं। चलिए ध्यान देते हैं, जैसे ये त्रिभुज रहा एबीसी और इस त्रिभुज एबीसी में जो एडी है वो शीर्ष कोण ए का समद्विभाजक है, बाइसेक्टर, और एई लंब है बीसी पर। चलिए ध्यान देना, जैसे यहां पर हम आपसे कह दें ये एई है जो कि लंब है, एई लंब है किस पर, भुजा बीसी पर, और एडी जो है वो शीर्ष कोण ए का समद्विभाजक है। तो एक ध्यान देना, यहां पर ये एडी है, ये कोण ए को समद्विभाजित कर रहा है, कोण ए को समद्विभाजित कर रहा है। जैसे यहां पे ध्यान देना, कोण ए मान लिया 60 डिग्री है, तो ये जो मैंने इधर डार्क किया है वो 30 डिग्री हो जाएगा, और ये जो इधर डार्क मैंने किया है ये भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करें और ये बताएं कि ये जो बीच में थीटा कोण है ये कितना बनेगा, इस थीटा पर्टिकुलर की हम बात करने वाले हैं। थोड़ा लाइटिंग प्रॉब्लम है लेकिन आप समझते चलिए। यहां से ध्यान देना है, सबसे पहले जब हम इसे डेरिवेट करेंगे तो हम त्रिभुज यहां से ले रहे हैं, त्रिभुज ए ई सी। अब आप कहेंगे मैंने ये त्रिभुज क्यों लिया, क्योंकि हमें थीटा फाइंड आउट करना है और ये कोण ई पूरी तरीके से पता है, ये कोण ई कितना है, 90 डिग्री है, और कोण सी ये भी पूरी तरीके से स्पष्ट है। तो कोण ई स्पष्ट है, कोण सी स्पष्ट है, कोण ई का मतलब कोण ए ई सी स्पष्ट है 90 डिग्री, और कोण सी पता है, और ये थीटा निकालना है, जबकि इधर हो जाएगा ए बाई टू, हो जाएगा कि नहीं बेशक, क्योंकि एडी जो है ये शीर्ष कोण ए का समद्विभाजक है, मतलब जैसे ये कोण ए 60 डिग्री है तो इधर जो मैंने डार्क किया है वो 30 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 30। तो चलिए इस त्रिभुज ए ई सी में थोड़ा ध्यान देना, हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। तो चलिए ए ई सी उधर वाले त्रिभुज में ये ऊपर का कोण कितना हो जाएगा, थीटा और प्लस कोण ए बाई टू। ये ए ई सी में ए ई सी कोण कितना है, थीटा प्लस ए बाई टू, और ये कितना है, 90 डिग्री, और प्लस ये क्या है, कोण सी है। ये तीनों का योगफल 180 होगा। फिर से ध्यान देना, ये 90 डिग्री है, ये कोण सी है, और ऊपर थीटा प्लस ए बाई टू, थीटा प्लस ए बाई टू, इन तीनों का योगफल 180 डिग्री होगा। अच्छा ध्यान देना, हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में तीनों अंतः कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी ये बराबर होता है 180 डिग्री। अच्छा ये कोण ए बाई टू है, तो पहले आप कोण ए निकाल लीजिए, कोण ए जब आप फाइंड आउट करिए, सॉरी जब कोण ए हम फाइंड आउट करेंगे यहां से, तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस कोण बी माइनस कोण सी। कोण ए कितना हो जाएगा, कोण बी उधर जाएगा तो 180 माइनस कोण बी प्लस कोण सी उधर जाएगा तो माइनस कोण सी हो गया। तो अब जब कोण ए बाई टू लिखिएगा तो कैसे लिखेंगे, उसका आधा करेंगे तो 180 का आधा 90 हो जाएगा, माइनस कोण बी बाई टू और माइनस कोण सी बाई टू, हो जाएगा कि नहीं। कोण ए बराबर 180 माइनस कोण बी और प्लस कोण सी उधर जाएगा, माइनस कोण सी।
तो कोर ए का आधा कितना हो जाएगा, कोर ए बाय टू को क्या लिखेंगे, एक सौ, देखिए जब इधर आधा करेंगे तो दाहिने पक्ष में भी आधा करेंगे, तो 180 का आधा 90 हो गया, माइनस कोण बी का आधा माइनस कोण सी का आधा। चलिए अब आप स्पष्ट कह सकते हैं थीटा प्लस कोण ए बाई टू को हम क्या लिखेंगे, 90 माइनस कोण बी बाई टू और माइनस कोण सी बाई टू और प्लस 90 बराबर 180। अच्छा 90 90 180 से 180 कट जाएगा, 90 90 जोड़ेंगे तो 180 आएगा और 180 दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर कितना आ गया, कोण बी बाई टू और प्लस कोण सी बाई टू। कैसे, माइनस कोण बी बाई टू उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस कोण सी बाई टू उधर जाएगा, तो आप इसे लिख सकते हैं कोण बी और प्लस कोण सी बाई टू, या आप इस तरीके से लिख सकते हैं थीटा बराबर एक बटे दो और विद इन ब्रैकेट कोण बी माइनस कोण सी। ये हमारा थ्योरम प्रूफ हुआ। तो एक चीज ध्यान देना, जब ये आपके प्रश्न में दिया रहे, अब ये डेरिवेशन आप समझ लिए हैं तो आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं होगी, अभी मैं प्रश्न दूंगा आप केवल प्रश्न देखते ही उत्तर कर ले जाएंगे। देखिए आपको करना क्या है, जैसे त्रिभुज एबीसी में दे दिया जाए कि AE जो है वो लंब है किस पर, भुजा बीसी पर, और AD कोण A का समद्विभाजक है, तो ये जो बीच में छोटा सा कोण बन रहा है जो कि थीटा मैंने रिप्रेजेंट किया है, वो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कोण B कोण C का अंतर बटे दो। आपको बताना चाहेंगे यहां पर यदि कोण B बड़ा है तो कोण B माइनस कोण C बाई टू, और यदि कोण C बड़ा है तो कोण C माइनस कोण B बाई टू। जब कोण B बड़ा होगा तो लंब इधर आएगा, और जब कोण C बड़ा होगा तो लंब उधर जाएगा, तब हम त्रिभुज इस पार्ट से लेकर हम करेंगे तो वही रिजल्ट निकलेगा। तो परेशान नहीं होना कि कैसे पता चलेगा यही बड़ा है या ये छोटा है, तो आप बस इतना समझिए कि जब ये बीच का कोण आप निकालिएगा तो दोनों कोण का अंतर बटे दो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। चलिए अब हम एक प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो ये बात समझ में आना, बीच में ये जो थीटा कोण बनेगा है ना वो कितना होगा, दोनों कोण का अंतर बटे दो। जैसे कह दिया जाए कि त्रिभुज एबीसी में AE लंब है बीसी पर तथा AD कोण A का समद्विभाजक है, यदि कोण B 60 है कोण C 40 है तो ये बीच वाला कोण कितना होगा, 60 माइनस 40 बटे दो, मतलब 60 माइनस 40 20 बटे दो 10 डिग्री ये थीटा हो जाएगा। अच्छा एक प्रश्न में स्पष्टीकरण के लिए बता रहा हूं, इसके लैंग्वेज को समझिएगा, इरेज कर रहे हैं इसे। अच्छा आपने लिखा था तब, उसका रिजल्ट मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, तब ये कोण ई ए डी बराबर ई ए डी, ये बीच वाला जो थीटा है वो हो जाएगा एक बटे दो विद इन ब्रैकेट कोण बी माइनस कोण सी। ये हमारा प्रमेय है, आप इसे माइंड में रखिएगा। अब प्रश्न में एक लिख दे रहा हूं, किसी त्रिभुज एबीसी में एडी कोण ए का समद्विभाजक है का समद्विभाजक है तथा एई लंब है बीसी पर, यदि कोण बी प्लस कोण सी बराबर 140 डिग्री तथा कोण ई ए डी बराबर 10 डिग्री हो तो कोण बी और कोण सी का मान बताइए। ये जैसे प्रश्न में मैंने दिया है ध्यान से समझिएगा, प्रश्न पूरा पढ़ पा रहे हैं, बीच में साइनिंग है थोड़ा एडजस्ट करिएगा। देखिए प्रश्न में दिया है किसी त्रिभुज एबीसी में एडी कोण ए का समद्विभाजक है तथा एई लंब है बीसी पर, तो आप जानते हैं ये कोण बी प्लस कोण सी का वैल्यू दिया है। अच्छा कोण ई ए डी, ई ए डी का मतलब समझ है ना, ई ए डी सिमिलर इसी पैटर्न पर मैंने प्रश्न बोल दिया है, ई
ए डी, ये जो बीच वाला कोण है वो प्रश्न में दे रखा है कितना है, ई ए डी कितना है 10 डिग्री। पहले आप हमें बताएंगे ई ए डी को कैसे डिफाइन करेंगे। ई ए डी हो जाएगा 1/2 विद इन ब्रैकेट कोण बी माइनस कोण सी, ये बराबर कितना है 10 डिग्री। इसमें कोई डाउट, ई ए डी बराबर दिया है 10 डिग्री, आपके प्रश्न में जानकारी दिया है। अब कोण इस स्थिति में ई ए डी, ये जो बीच वाला थीटा है वो थीटा किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 1/2 कर्णी में सॉरी ब्रैकेट में कोण बी माइनस कोण सी, दो उधर गुणा हो जाएगा तो कोण बी माइनस कोण सी बराबर हो गया 20 डिग्री। हो गया कि नहीं, दो भाग हो रहा है दाहिने पक्ष में गुणा हो जाएगा तो कितना आ गया 20 डिग्री। ये समीकरण एक हो, और एक समीकरण आपके प्रश्न में दे रखा है कोण बी और प्लस कोण सी बराबर दिया है 140 डिग्री, ये आपके प्रश्न में दे रखा है, बस इसी को हल कर लीजिए, जोड़ने पर ये कैंसिल हो जाएंगे। कोण बी प्लस कोण बी, बताइए जोड़ेंगे तो कोण बी प्लस कोण बी कितना हो गया 2 कोण बी बराबर 140 और 20 160 हो गया, तो कोण बी कितना हो गया, दो गुणा हो रहा है उधर भाग हो जाएगा, 160/2 कितना गया 80। आप जानते हैं कि कोण बी और कोण सी दोनों का योगफल 140 डिग्री के बराबर है, तो जब कोण बी 80 हो गया, कोण बी का मान जब 80 हो गया तो यहां रखेंगे दूसरे पक्ष में माइनस हो जाएगा 140 माइनस 80 60, तो कोण सी बराबर हो गया यहां से कितना डिग्री 60। तो चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं प्रश्न की सारी स्थिति समझे हैं। इसी चित्र पर मैंने प्रश्न बोला है, देख पा रहे हैं त्रिभुज एबीसी है जिसमें एडी जो है ये कोण ए का समद्विभाजक है और एई जो है वो लंब है किस पर, भुजा बीसी पर। जानकारी में दोनों कोण, कोण बी और कोण सी का योगफल आपके प्रश्न में दे रखा है 140 है, और ई ए डी ये बीच में जो थीटा कोण है वो दे रखा है 10 डिग्री। तो ई ए डी को कैसे डिफाइन करेंगे, 1/2 कोण बी माइनस कोण सी बराबर 10 है, तो दो भाग हो रहा है दाहिने पक्ष में आएगा गुणा हो जाएगा तो 10 × 20, तो कोण बी माइनस कोण सी बराबर 20 डिग्री आ गया। अब कोण बी प्लस कोण सी आपके प्रश्न में भी दिया है 140, बस दोनों को आप सार कर लेंगे, कोण बी प्लस कोण बी तो दो कोण बी हो जाएगा, तो दो कोण बी बराबर 160, तो कोण बी बराबर हो जाएगा 80। क्योंकि प्रश्न में स्पष्ट रहा कि कोण बी और कोण सी का योगफल 140 है, तो जब कोण बी 80 हो गया तो कोण सी कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, ये हमारा उत्तर होगा। तो स्पष्ट समझ पा रहे हैं, चलिए प्रश्न थ्योरम को आगे बढ़ा लेते हैं। ये अच्छा आपको बता दें, ये 6 बेसिक थ्योरम मैंने क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पे रखा। अब यहाँ पर जो आगे आपको बताएंगे वो कांग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी ऑफ अ ट्रायंगल, त्रिभुज की सर्वांग समता और समरूपता में संबंध क्या है और इनकी कंडीशन क्या है। खासा देखा जाए, आपका ये जो मेन टॉपिक चला है उस टॉपिक की यदि हम संक्षिप्त डिस्कस कर ले, तो मैंने अभी टॉपिक का नाम किया है आपके सिलेबस में ज्यामिति सेक्शन का है सिमिलरिटी ऑफ लाइनियर प्लेन फिगर। ये आपके सिलेबस का जो पार्ट है उस सिलेबस को मैं यहां पर कंटिन्यू करा रहा हूं। चलिए ध्यान देते हैं, इसमें अब मैं जो हेडिंग रखने जा रहा हूं ये आपका टॉपिक है, आप सिलेबस में अपने टीजीजी मिलान करिए, ये टॉपिक दिया है और इसी पर्टिकुलर टॉपिक की हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, और ये थोड़ा सा एक बड़ा पार्ट जरूर है लेकिन जैसे ही इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, पाइथागोरस प्रमेय और इसका प्रयोग अनुप्रयोग की बात है, फोकस दिया है आपके सिलेबस में बिंदु पथ, ज्यामिति में जब मिलान करिएगा तो फोकस दिया है बिंदु पथ, फिर पाइथागोरस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, पाइथागोरस प्रमेय और उसका प्रयोग अनुप्रयोग की बात है, और तीसरा जो उस पर्टिकुलर पार्ट में है वो वृत्त है, वृत्तखंड है, सर्किल है और सेक्टर ऑफ सर्किल है, ये सिलेबस का हिस्सा है और इसका प्रश्न भी प्रीवियस
सेट पेपर में पूछा गया है सर्कल क्रम में, और ये जो ट्रायंगल का भी जो इस सीरीज में बता रहे हैं सिमिलरिटीज आपको लीनियर प्लेन फिगर के जो सिलेबस है उसमें त्रिभुज का पूरा पार्ट है, जिसमें सिमिलरिटी एंड कंग्रुएंसी ट्रायंगल तक के पार्ट को कवर करते हुए सेंटर ऑफ ट्रायंगल के भी सिलेबस दिए गए हैं। अच्छा, इसमें दिए नहीं गए, इस पार्ट में होते ही है, उतना हमें बताना ही पड़ेगा। चलिए, अब इसमें मैं एक हेडिंग कर रहा हूं, कंग्रुएंसी एंड सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज की सर्वांग क्षमता और समरूपता में संबंध। तो अब यहां पर मैं जो हेडिंग पिक कर रहा हूं, यह आपका मेन सिलेबस का हिस्सा है, जिसमें अब मैं बताने जा रहा हूं इसमें कंग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज की सर्वांग क्षमता चलिए आपको ये सारी चीजें पता है, फिर भी संक्षिप्त देखते चले, बीच में कहीं लाइटिंग इश्यूज हैं थोड़ा सा मैनेज करिएगा। लास्ट में ये दिख रहा है सर्वांग क्षमता मैंने लिखा है, चलिए साइड में मैं किनारे नहीं लिखूंगा, इस पार्ट में लिख रहा हूं। देखिए, आप जानते हैं इनकी सर्वांग क्षमता किन स्थितियों से त्रिभुज की सर्वांग क्षमता होती है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला ये है साइड एंगल साइड, ये कंडीशन क्या है ध्यान देना, भुजा कोण भुजा साइड एंगल साइड, ये कंडीशन क्या है आपको बता दें, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा, ध्यान देना, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा और उनके बीच का कोण, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा और उनके बीच का कोण किसी दूसरे त्रिभुज की संगत दोनों भुजा और उनके बीच के कोण के बराबर तो त्रिभुज सर्वांग सम होता है। ध्यान देना कैसे, जैसे ये त्रिभुज एबीसी, ये त्रिभुज है एबीसी, यदि किसी त्रिभुज की कोई दो भुजा, चाहे जो, जैसे मैं मान लिया आपसे कह दूं एक भुजा एबी और एक एसी, और इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण थीटा है, ये किसी दूसरे त्रिभुज की, किसी अन्य त्रिभुज, कोई एक और त्रिभुज है पीक्यूआर, हमें यह बताया यदि किसी त्रिभुज की कोई दो भुजा और उनके जो बीच का कोण है वो किसी दूसरे त्रिभुज पी क्यू आर की संगत दोनों भुजा के बराबर हो और उनके बीच के कोण के भी बराबर हो, जैसे ये भुजा ए बी है तो दूसरे त्रिभुज की भुजा पी क्यू है, ये दोनों कहते बराबर है, जैसे ए बी कहते 10 सेंटीमीटर है तो पी क्यू भी कितना है 10 सेंटीमीटर, और AC हम आपसे कहते हैं 9 सेंटीमीटर है तो PQ भी मान लिया 9 सेंटीमीटर है। ध्यान से समझिएगा, AB बराबर है PQ के, ध्यान समझिएगा, AB बराबर है किसके, दूसरे त्रिभुज की भुजा PQ के, और AC बराबर है एक अन्य त्रिभुज, AC बराबर है एक अन्य त्रिभुज में भुजा PR के, तथा यहां पे कोण ए बराबर है कोण पी के। ध्यान देना, जैसे दो त्रिभुज हैं, ये दो त्रिभुज आपके प्रत्यक्ष सामने हैं, इसमें कह दे जितना ए बी भुजा है उतना ही पी क्यू भुजा है और जितना ए सी भुजा है उतना ही पी आर भुजा है, और जितना स्लोप, जितना झुकाव यहां कोण ए में है उतना ही झुकाव इस कोण पी में है, जिस कारण BC भी तब बराबर हो जाएगा QR के, क्योंकि ये भुजा संगत दोनों भुजा बराबर है, उनके बीच का कोण भी बराबर है, तो क्योंकि झुकाव वही है तो जितना भुजा यहां से निकलेगा वही भुजा आपका वहां भी जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अब यही त्रिभुज उठा के इस पर चस्पा कर दीजिए या यही त्रिभुज उठा के उस पर पेस्ट कर दीजिए तो दोनों एक दूसरे को पूरी तरीके से कवर कर लेंगे। कवर करना मतलब ये भुजा भुजा को कवर कर लेगा, तीनों भुजाओं को, संगत भुजाओं को कवर कर लेगा, अब कोण कोण भी तब करेस्पॉन्ड कर जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा सबके बराबर ही हो जाएंगे, मतलब जैसे ये 60 है तो ये 60 हो गया, ये 40 है तो ये भी 40, ये 80 है तो ये भी कितना हो जाएगा। सर्वांग सम का मतलब होता है सर्व अंग सम, सभी अंग बराबर।
सभी अंग बराबर मतलब भुजा भुजा को कवर कर ले, अब संगत कोण को कवर कर ले, मतलब एक त्रिभुज उठा के दूसरे त्रिभुज पर रख दे तो पूरी तरीके से एडजस्ट कर ले, ये सेंस। और स्पष्ट है तब इस स्थिति में आप ये कह सकते हैं त्रिभुज एबीसी जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के। अच्छा, सर्वांगसम का मतलब आप समझ गए हैं, ये त्रिभुज उठा के यदि इस त्रिभुज पर हम रख दें तो पूरी तरीके से एडजस्ट कर लेगा, कुछ भी बचेगा नहीं, मतलब भुजा भुजा को एडजस्ट कर लेगा तीनों, और तीनों संगत कोण भी एक दूसरे को एडजस्ट कर लेंगे, मतलब एक के ऊपर एक इस तरीके से हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि यहां दो दो त्रिभुज थे। अब आप समझ गए कि यदि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो दोनों के क्षेत्रफल भी क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, क्योंकि जब ये पूरी तरीके से कवर कर लेगा, यदि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल भी क्या होंगे, समान होंगे, मतलब संगत भुजा बराबर हो जाएगी, संगत कोण बराबर हो जाएगा, दोनों के क्षेत्रफल भी बराबर हो जाएंगे, सर्व अंग सम हो जाएगा, मतलब यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो डेफिनेटली उनके क्षेत्रफल भी बराबर होंगे, परंतु इसका विपरीत सत्य नहीं है। मतलब यह जरूरी नहीं है कि यदि दो त्रिभुज के क्षेत्रफल समान हो तो दोनों सर्वांगसम ही हो, यदि सर्वांगसम है तो क्षेत्रफल जरूर बराबर होंगे दोनों के, लेकिन यदि दोनों के क्षेत्रफल बराबर हो जाए तो आप ये नहीं कह सकते कि जो है सर्वांगसम है, ये बात का ध्यान देना। अभी मैं ये आपको बताऊंगा, सर्वांगसमता और समरूपता में जब संबंध करके बताएंगे तो इस फैक्ट को हम बता देंगे। ये आपको समझ में आया, ये है एस ए एस, साइड एंगल साइड कंडीशन। दूसरा क्या है, चलिए दूसरा समझ लेते हैं, किस स्थिति में सर्वांगसम हो सकता है। दूसरा ये है एंगल साइड एंगल, मतलब कोण भुजा कोण संबंध। यदि ऐसा है तो भी त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, कहने का मतलब यदि किसी त्रिभुज के कोई दो कोण और उनको अंतरित करने वाली मतलब मिलाने वाली भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के संगत दोनों कोण और उनके अंतरित भुजा के बराबर हो जाए तो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, इसका मतलब समझिए। जैसे हमारे पास दो दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज एबीसी है और एक त्रिभुज हमारे पास है पीक्यूआर। अब इसमें कंडीशन ये है कि जैसे यहां पर हम आपसे कह दें कि ये कोण पी के बराबर है और कोण बी बराबर है कोण क्यू के, मतलब किसी त्रिभुज के कोई दो कोण किसी अन्य त्रिभुज के संगत दोनों कोण और उन दोनों कोणों को अंतरित करने, जैसे ये कोण और ये कोण, इनको अंतरित मतलब मिलाने वाली भुजा क्या है, AB, और यही चीज दूसरे त्रिभुज में संगत दोनों कोण के बराबर हो जाए और ये PQ भी AB के बराबर हो जाए, तब भी त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम। कहने का मतलब यदि कोण A बराबर हो जाए कोण P के और कोण B बराबर हो जाए कोण Q के, कोण A कोण P के बराबर कोण B कोण Q के बराबर हो जाए तथा इन दोनों कोणों को अंतरित मिलाने वाली भुजा AB भी बराबर हो जाए किसके, PQ के, AB भी बराबर हो जाए किसके, PQ के, तब ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। कहने का मतलब ये कोण इस कोण के बराबर, जैसे हम कह दें ये 60 है तो ये भी 60 है, ये 40 है तो ये भी 40 है, बात समझेगा मैं क्या कह रहा हूं, जैसे ये 60 है तो ये भी 60 है, ये 40 है तो ये भी 40 है, तो 60 40 100 हो गया, तो ये 80 हो जाएगा, तब वो भी कितना हो जाएगा, 80, मतलब कोण भी क्या कर गए, करेस्पॉन्ड हो गए, संतुलित हो गए, बराबर हो गए। और AB भुजा PQ के बराबर है तो जब कोण भी बराबर है तो ये साइड भी दोनों बराबर हो जाएंगे, मतलब ये त्रिभुज उठा के यदि इस त्रिभुज पर रख देंगे तो पूरी तरीके से एडजस्ट करेगा, बात समझ आए कि नहीं, मतलब स्पष्ट है इस स्थिति में भी त्रिभुज दोनों क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे, सर्व अंग समान, मतलब
जितना त्रिभुज ये है वही त्रिभुज ये है वही उठा के इस पर रख दीजिए तो एडजस्ट करेगा, मतलब संगत भुजा के बराबर हो जाएगा, संगत भुजा के बराबर हो जाएगा और संगत कोण के बराबर हो जाएगा और दोनों के क्षेत्रफल भी बराबर हो जाएंगे। ये बात समझ है ना, मतलब यदि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो समरूप भी होंगे। समरूप में ट्रिपल ए कंडीशन लगता है, ट्रिपल ए मतलब तीनों संगत कोण दूसरे त्रिभुज में तीनों संगत कोण के बराबर हो जाए तो समरूप होता है, अभी उसकी चर्चा करेंगे। मतलब ये कह सकते हैं कि यदि त्रिभुज सर्वांगसम है, यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो डेफिनेट तौर पर समरूप भी होंगे, परंतु यह नहीं कह सकते आप कि यदि दो त्रिभुज समरूप है तो ये दोनों सर्वांगसम ही है। मतलब सर्वांगसम है तो सर्व अंग समान होगा, भुजा भुजा संगत भुजा बराबर, संगत कोण बराबर, क्षेत्रफल क्षेत्रफल भी बराबर और दोनों समरूप भी हो जाएंगे। ये सेंस समझ में आया ना। एक और होता है ट्रिपल यस कंडीशन, ट्रिपल यस तीसरा जो होगा वो ट्रिपल यस कंडीशन होता है जिसे हम कहते हैं साइड साइड साइड, मतलब त्रिभुज की तीनों भुजा एक अन्य त्रिभुज की संगत तीनों भुजा के बराबर हो जाए। जैसे दो त्रिभुज आपके पास हो और दोनों त्रिभुज में जितना ये भुजा हो उतना ये भुजा, जितना ये हो उतना ये भुजा और जितना ये भुजा हो उतना यही भुजा हो जाए, तो ये त्रिभुज उठा के इस पर रख दीजिए तो पूरी तरीके से चस्पा कर लेगा, एडजस्ट हो जाएगा। मतलब उस कंडीशन में भी ये क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। और एक और चौथा होता है आर एच एस, आर का मतलब राइट एंगल से है, समकोण से है, एच हाइपोटेनस कर्ण से है और एस साइड से है, तो आर एच एस कंडीशन क्या है इसे थोड़ा समझ लेते हैं चौथे में। अच्छा ये समझना इसलिए जरूरी है ना क्योंकि जो सिमिलरिटी है समरूपता है वो सर्वांगसमता समझने के बाद और आसान हो जाएगा, और इसके प्रश्न भी बने हैं आपके टीजीटी परीक्षा में इसके प्रीवियस सेट में। और ये ज्यामिति का जो सिलेबस है इतना आसान, मैंने शुरुआत इसलिए किया आप एक बार यदि ध्यान से देखते चले तो पूरी पार्ट माइंड में सेट हो जाता है, आपको रिविजन बहुत कम करना पड़ता है। दूसरी चीज प्रश्न को हल करने में ये समय सबसे कम लेता है, बस प्रॉपर्टीज आपको पता हो तो आप प्रश्न को कम से कम समय में साल कर लेंगे। आर एच एस मतलब समकोण कर्ण भुजा संबंध, समकोण आर का सेंस समकोण है, राइट एंगल, कर्ण और भुजा संबंध है ना। ये क्या होता है जैसे दो समकोण त्रिभुज आपके पास है, जैसे मान लिया हमारे पास दो समकोण त्रिभुज है, अभी ये नहीं पता है कि ये जो है सर्वांगसम, सॉरी नाम चेंज कर देते हैं पी क्यू। जैसे आपके पास दो समकोण त्रिभुज है, यहां कोण बी यहां कोण क्यू समकोण है, राइट एंगल है ये राइट एंगल, और एच का सेंस कर्ण से है, मतलब जैसे ये 90 डिग्री कोण है तो दूसरे त्रिभुज में ये भी 90 है, और जितना कर्ण एसी है, 90 डिग्री के सामने कर्ण ही होता है, जितना कर्ण एसी है उतना ही कर्ण हम कह दें ये है। मतलब जैसे हमें आपसे कह दे कि ये 5 सेंटीमीटर है और पी आर भी कितना है 5, ये 90 डिग्री है ये 90 डिग्री है, तब उस अच्छा साइड कोई भी एक भुजा ले लीजिए, कोई भी राइट एंगल मैंने ले लिया, समकोण ले लिया, एच मतलब कर्ण ले लिया और साइड एक कोई ले लीजिए, चाहे जो चाहे आधार दोनों के बराबर हो जाए, जैसे हम कह दें जितना आधार ए है सॉरी बीसी है उतना ही आधार क्यू आर। अब आप समझ गए एसी बराबर पी आर और बीसी बराबर क्यू आर और ये 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री, मतलब आधार कर्ण इसका बराबर है, आधार कर्ण इसका भी दोनों के बराबर ही है, तो जितना लंब ए बी का हो जाएगा उतना ही लंब। अब ऐसे समझ लीजिए जैसे हम आपसे कह दें ये 5 है ये भी 5 है, हम कह दें ये 4 है ये भी 4 है, ये 90 डिग्री है ये भी 90 डिग्री है, तब तीसरी तो खुद खुद बराबर हो गई, तब ए बी 3 ए भी हो जाएगा, पी क्यू भी कितना हो जाएगा 3 4 5 के रेशियो से। तो कहने का मतलब ये है कि अब यही त्रिभुज उठा के उस पर रख दीजिए तो क्या करेगा पूरी तरीके से एडजस्ट कर लेगा, एक दूसरे में समावेशित हो जाएगा, सन्निहित हो जाएगा, मिल जाएगा। बात समझ है ना।
मतलब सर्वांशम हो गया इस स्थिति में, ये क्या हो गया सर्वांशम हो गया, मतलब कोण B बराबर हो गया कोण Q के, और AC कर्ण बराबर हो गया दूसरे त्रिभुज के कर्ण PR के, और भुजा BC बराबर हो गया QR के। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं ये त्रिभुज ABC सर्वांशम है त्रिभुज PQR के। अब आप समझ गए ना, जितना क्षेत्रफल इसका हो जाएगा वही क्षेत्रफल उसका भी हो जाएगा। अब उस स्थिति में ये एंगल एंगल भी सेटिस्फाई हो जाएगा, मतलब सर्वांगसम यदि है दो त्रिभुज तो दोनों समरूप भी अवश्य होंगे। अच्छा ये तो कांग्रुएंसी हो गई, अब सिमिलरिटीज देखते हैं। सिमिलरिटी ही लिखना ठीक है, चलिए वो आप समझ लेंगे। चलिए स्पष्ट यहां से समझते चले। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज की समरूपता, आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसका जो कंडीशन है वो ट्रिपल ए कंडीशन है, ट्रिपल ए कंडीशन है एंगल एंगल एंगल। अच्छा ध्यान देना, ट्रिपल ए कंडीशन में यदि कोई त्रिभुज है जैसे एबीसी और एक और त्रिभुज है मान लिया ये है पी क्यू आर। अच्छा जैसे मैं आपसे कह दूं कि ये कोण, एक बात मैं रख रहा हूं, जैसे मैं आपसे कह दूं ये 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री, ये 90 डिग्री है या कुछ भी रखते हैं मान लिया 40 रख दें तो ये भी हम कहेंगे 40, तो ये 80 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 80, क्योंकि 60 ये है ये भी 60 है, ये 40 है ये भी 40, तो 60 40 100 हो गया, तो त्रिभुज के तीनों अंतर कोण का योगफल 180, जब ये 80 हो गया तो ये भी, जैसे हम कह दें ये ट्रिपल ए है, मतलब इस त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोण के बराबर है। संगत का मतलब कोण ए कोण पी के बराबर, कोण ए किसके बराबर कोण पी के बराबर, और कोण बी बराबर कोण क्यू के बराबर, अब कोण सी बराबर कोण आर के बराबर हो जाए तो त्रिभुज समरूप होंगे। मतलब इस स्थिति में आप कह सकते हैं त्रिभुज एबीसी सिमिलर है त्रिभुज पीक्यूआर के, समरूप है। अच्छा समरूप यदि दो त्रिभुज समरूप है तो जरूरी नहीं कि ये सर्वांगसम हो। सर्वांगसम का मतलब तब भुजा तीनों संगत तीनों भुजा के दूसरे त्रिभुज में बराबर हो जाए, तो समरूप त्रिभुज है यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो जरूरी नहीं वो सर्वांगसम होंगे, लेकिन यदि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तब ये फिक्स हो जाएगा समरूप। अच्छा यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो जरूरी नहीं इनके क्षेत्रफल समान हो, बात समझ है कि नहीं। कहने का मतलब ये जरूरी नहीं कि अब एबीसी उठा के इस पर रख दीजिए तो पूरी तरीके से कवर कर लेगा, ये इसमें जरूरी। अच्छा समरूपता दिखाने में डबल ए भी पर्याप्त शर्त है, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण जैसे कोण ए कोण पी के बराबर है और कोण बी कोण क्यू के बराबर है, तो यदि इतना भी पता चल जाए तब भी पर्याप्त है कि त्रिभुज समरूप है। क्यों? क्योंकि तब ये भी 80 हो जाएगा वो भी 80, क्योंकि यदि दो त्रिभुज में दो कोण बराबर है तो तीसरा खुद ब खुद क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ये पर्याप्त शर्त है। आपको यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि चाहे आप इसे नोट करके लिख सकते हैं, समरूप त्रिभुज में संगत भुजाएं बराबर तो नहीं होती लेकिन समानुपातिक जरूर होती है, समानुपातिक होती है। समरूप त्रिभुज में जो संगत भुजाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? समानुपातिक होती हैं, समानुपाती होती हैं। इसका मतलब क्या है? AB बराबर नहीं होगा PQ के, हाँ रेशियो AB और PQ का जो निकलेगा, मतलब संगत भुजाएं समान अनुपात होती हैं, समानुपातिक होती हैं। मतलब AB और AB की संगत भुजा क्या होगी बताइए? AB की संगत भुजा हो जाएगी PQ। ये रेशियो
बराबर हो जाएगा यदि BC भुजा यहां से ले तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा QR हो जाएगी। BC और QR ये भी समानुपातिक होगा। और तीसरी भुजा यदि यहां से AC ले और वहां की तब संगत भुजा क्या हो जाएगी दूसरे त्रिभुज की QR, सॉरी वहां BC वहां पे QR लिया, वहां AC वहां पे PR, ये संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी, बराबर तो नहीं होंगी, हाँ तीनों दोनों त्रिभुज में तीनों संगत भुजाएं क्या होंगी समानुपाती होंगी। आपको यहाँ पर एक संक्षिप्त चर्चा करते हुए फिर इसके बाद प्रश्न की बात, ये आप थ्योरी समझ रहे हैं तो प्रश्न कितना आसान हो जाएगा वो आप अभी खुद ही समझ लेंगे। देखिए यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे त्रिभुज की सर्वांग समता और समरूपता में संबंध, त्रिभुज की सर्वांग समता व समरूपता में संबंध, रिलेशन बिटवीन कांग्रुएंसी एंड सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज की सर्वांग समता और समरूपता में संबंध, यहां पे पहला जो रिमेंबरेबल फैक्ट है उसमें यह है कि यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम है, यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो दोनों समरूप भी होंगे। मतलब यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो दोनों त्रिभुज समरूप भी होंगे, परंतु यदि दो त्रिभुज समरूप है तो जरूरी नहीं वो सर्वांगसम वे सर्वांगसम हो। मतलब एक चीज बिल्कुल माइंड में रखिएगा कि यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो दोनों निश्चित रूप से समरूप भी होंगे, फिक्स है। लेकिन यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो यह जरूरी नहीं कि वे सर्वांगसम भी हो। दूसरा यह है कि यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम है, यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो दोनों के क्षेत्रफल भी समान है, तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल भी क्या होंगे समान होंगे। परंतु फिर से वही बात, परंतु यदि दो त्रिभुज के क्षेत्रफल, मैं ऐसे बोल दे रहा हूं आप समझ जाएंगे, मतलब यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो दोनों के क्षेत्रफल भी समान होंगे, परंतु यदि दो त्रिभुज के क्षेत्रफल समान हो तो यह जरूरी नहीं कि वे सर्वांगसम भी हो। आप समझ गए ना, ये आपको ये बताना चाहेंगे समरूप त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुज यदि हैं तो वो सर्वांगसम केवल और केवल तभी होंगे जब दोनों के क्षेत्रफल भी क्या हो समान हो जाए। मतलब समरूप त्रिभुज ऐसा नहीं है कि समरूप त्रिभुज कभी सर्वांगसम ही नहीं हो सकता, समरूप त्रिभुज सर्वांगसम हो सकता है। कब समरूप त्रिभुज सर्वांगसम तभी हो सकते हैं जब दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या हो समान, बात समझ है ना। तो ये इसके संबंध थी, आपको मैंने ये संक्षिप्त में बताया। चलिए मैं अभी एक नेक्स्ट हेडिंग जो बना रहा हूं, उस अच्छा ये भी मिट गया, चलिए ठीक है। अच्छा ये थोड़ा सा आप समझे रहेंगे, आप कहेंगे ये तो थ्योरी आपको पता है, लेकिन ये मैंने इसलिए बताया जैसे मैं प्रश्न हल कराता चलूं तो मान लिया कभी माइंड से चीजें हट जाए, तो एक बार जैसे देखते चलेंगे तो वो सारी चीजें स्पष्ट रहेंगी, आप बेहतर आगे के प्रश्नों को हल कर सकेंगे।
आगे जब मैं एक हेडिंग रखूंगा तो वो ये होगा कि दो समरूप त्रिभुज के, सॉरी दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल भुजा परिमाप और ऊंचाई में संबंध। मतलब आप ये कह सकते हैं, यहां पे आपको बता दें रिलेशन ऑफ एरिया साइड पेरिमीटर हाइट एंड इन अ सिमिलर ट्रायंगल। चलिए देखें, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल भुजा परिमाप और ऊंचाई में संबंध। यहां से ध्यान देना, ये जो हेडिंग मैं लूंगा वो नेक्स्ट क्लास से लेक्चर 5 में, ये एक महत्वपूर्ण क्रम है। और इसकी चूंकि अभी मैं इसलिए नहीं इसे रख रहा हूं कि इसमें अपेक्षाकृत थोड़ा समय ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि हमें क्षेत्रफल का संबंध एक बार देखें, दो समरूप त्रिभुज हैं तो एक बार क्षेत्रफल का संबंध भुजा से, फिर क्षेत्रफल और परिमाप में संबंध, क्षेत्रफल और ऊंचाई में संबंध, भुजा और परिमाप में संबंध, भुजा और ऊंचाई में संबंध, परिमाप का भी इस तरीके से, तो इसमें थोड़ा सा डिस्कस हमें ज्यादा करना पड़ जाएगा। एक लेक्चर में इसके लिए लूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और उस नेक्स्ट वीडियो में इस पूरे सेक्शन को, इस क्रम को समाप्त करने के बाद त्रिभुज की भुजाओं पर स्थित मध्य बिंदुओं के निष्कर्ष, ये मैं एक हेडिंग करूंगा, और उसके बाद सेंटर ऑफ ट्रायंगल बता के आपका ये सिलेबस जो मैंने अभी लिखा था वो पार्ट में आपको कवर करा लूंगा। और वो जो सेंटर ऑफ ट्रायंगल रखेंगे, चारों केंद्र की बात हम करेंगे, और जैसे ही ये खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तब मैं पाइथागोरस प्रमेय और उसके प्रयोग अनुप्रयोग की चर्चा करेंगे जो आपके सिलेबस में, फोकस की चर्चा करेंगे, और लास्ट में वृत्त खंड से जो सिलेबस में है उसकी चर्चा करके ये ज्यामिति सेक्शन में जल्द पूरा कर लूंगा। नेक्स्ट वीडियो में इस पार्ट को मैक्सिमम पूरा कराने की कोशिश करूंगा। यहां तक आपको कैसा लगा वो आप कमेंट अपने देते रहिएगा, और जो भी आपको अतिरिक्त सुझाव मांगना हो किसी पर्टिकुलर प्रश्न को लेकर, खैर प्रश्नों का पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और आप में यदि कुछ अतिरिक्त प्रश्न की डिमांड करना रखना चाह रहे हैं कि अतिरिक्त प्रश्न या आपके जो प्रश्न है उसके क्वेरी आप करिएगा, कमेंट में दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा तो उसमें उन सारे मैटर को शामिल करूंगा। तो आज की क्लास बस इतना ही है ना, तो नेक्स्ट में हम फिर से मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।